दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक नहीं आता। जैसे कि इसी फोन में आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इस वाले फोन में हम कैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगाएंगे। जैसे कि इस वाले फोन में आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो काफी इजी तरीके से ये अनलॉक हो जाता है। तो यही वाला जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है या फिर फिंगरप्रिंट लॉक है वो दोस्तों हम इस फोन में सेट करेंगे, वो भी डिस्प्ले में। तो काफी कमाल की ये ट्रिक होने वाली है, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। अगर आपके पास भी ऐसा फोन है जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक एक्टिवेट है। अब बात करें जिस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक नहीं दिया गया है तो उसमें कैसे एक्टिवेट करेंगे। इस वाले फोन में दोस्तों आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन डिस्प्ले लॉक नहीं दिया गया है, इसमें यहाँ पे साइड में फिंगरप्रिंट है, यहाँ पे अगर हम टच करते हैं तो ये हमारा फोन अनलॉक हो जाता है। लेकिन अगर हमें इसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए बस आपको अपने डिस्प्ले में लॉन्ग प्रेस करना है, नीचे दोस्तों आपको वॉलपेपर का ऑप्शन आएगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च क्या करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, NEW, ठीक है। उसके बाद स्पेस डालना है एंड उसके बाद ऑक्सी डालना है, OXY स्पेस डालना है ERA, तो ये आपको टोटल लिखना है न्यू ऑक्सी ईरा। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे आपको नीचे आना है, थीम वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको ये मोर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पहले नंबर पे आएगा, देख सकते हो न्यू ऑक्सी ईरा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब इस वाला ये जो पूरा का पूरा थीम है ना, इसके अंदर दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक का फीचर मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको इसे यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे प्रीमियम का ऑप्शन है तो कोई बात नहीं, इसे आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये बड़ी इजी तरीके से डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री का है, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी पैसे वैसे नहीं देने होते। उसके बाद आपको इसे यहाँ से कर लेना है अप्लाई। इसे जैसे दोस्तों आप अप्लाई करोगे, ये देख लीजिए कैसे ये अप्लाई हो रहा है, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ A to Z। अब दोस्तों हमारे फोन में क्या है, ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे फोन का पूरा जो लुक था वो बदल चुका है। अब इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक और काम करना है। एक और काम क्या करना है दोस्तों, आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है लॉक एंड पासवर्ड में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें जब आप आओगे तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फेस अनलॉक होता है ना, इसे आपके फोन में अगर बंद होगा तो इसे आपको ऑन करना है। आपको ऑन क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है, मेरे में यहाँ पे फेस ऑलरेडी ऐड है एंड ये जो फेस अनलॉक है मेरे फोन में ऑन है, तो आपको आके अपने फोन में एक अपना जो फेस होता है उसे सेट कर लेना है एंड ये जो फेस अनलॉक होता है इसे आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। अब ऑन करने के बाद दोस्तों आपको बैक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा कंप्लीट सेटअप था वो हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बस आपको अपना जो फिंगर है वो यहाँ पे रखना है, पूरी एनिमेशन के साथ आपका फोन अनलॉक होगा। जो भी देखेगा ना वो यही बोलेगा कि आपके फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक दिया गया है। मतलब कि यार इतना कमाल का ये एकदम रियल जैसा काम करता है ना भाई, कि हर कोई दोस्तों देख कर चौंक जाएगा। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो काफी कमाल का ये लॉक है जिसे आप एक्टिवेट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये लॉक काम कैसे करता है। ये लॉक दोस्तों काम करता है आपके फेस से। यहाँ पे आपका ये जो फेस अनलॉक है ना, ये सबसे पहले डिटेक्ट करके अनलॉक कर देगा आपके फोन को। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फोन अनलॉक हो चुका है। अब आपको इसके ऊपर टच करना है, जैसे आप इसके ऊपर टच करोगे आपका फोन हो जाएगा अनलॉक। दोस्तों रियल में हम किसी भी ऐसे फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप इसे एक्टिवेट कर लेते हो ना तो 101% जो भी देखेगा ना वो यही बोलेगा कि आपके फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक दिया गया है। क्योंकि भाई किसी भी एंगल से ये फेक नहीं लगता, क्योंकि पूरी तरह एनिमेशन के साथ आता है। अगर जब तक आप फेस अनलॉक नहीं करोगे, आप इसके ऊपर टच करोगे तो आपका फोन अनलॉक नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, एकदम मतलब कि रियल जैसी सारी रियल चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कुछ भी ऐसा मतलब नहीं लगेगा कि ये फेक है या फिर फ्रॉड है।
यहाँ पे आपको देख सकते हो फेस अनलॉक हो गया, बस आपको इसके ऊपर टच करना है, पूरी एनिमेशन के साथ आपका फोन अनलॉक कर देगा। तो इसे दोस्तों आप अपने फोन में एक बार एक्टिवेट करो, बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। मैंने खुद इसे एक्टिवेट किया है, मैंने अपने फोन में यूज कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एंड ये बिल्कुल टोटली फ्री है, आपको इसके लिए ना कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ना कुछ करना है, आपके फोन में ही ये फीचर दिया गया है, तो है ना काफी कमाल की चीज। तो उसके लिए बस आप यार इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।